फॉर द फर्स्ट टाइम ज्योतिका, लैला और मैं, हम तीनों आपके पसंदीदा हीरो के बगैर एक फिल्म में काम कर रही हैं। आज तक सभी फिल्मों में जब हमारे हीरो फाइट करते थे तब हम किसी पेड़ के पीछे छुपकर ताली बजाया करते थे। जब भी खुश होते तब डुएट करते थे। प्यार के लिए खाना पीना छोड़कर बेड में पड़ी रहती थी, हीरो की याद में आंसू बहाया करती थी, माँ बाप से प्यार के लिए लड़ाई भी की है। आखिर में हीरो के हाथों मंगलसूत्र पहनकर खुशी खुशी फोटो के लिए पोज भी दिया है। लेकिन हम उसके लिए नहीं आए हैं, पेड़ों के बीच डुएट करने वाले हम अब पहली बार लड़ने के लिए आ रहे हैं। आपके साथ नहीं, समाज में बुरा काम करने वाले और देश के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ ही हम लड़ने वाले हैं। प्यार कर करके हम बोर हो गए, इसलिए अब एक लव बर्ड्स को मिलाने का फैसला किया है हम लोगों ने। प्यार तो हमेशा देश, जबान, जात पात, मजहब। Stands out above all the others in the Old Testament era. We read about him in Deuteronomy chapter 18, verses 17 and 18. Sir, sir. तुम लोग में कौन किसके साथ भाग कर आया है? Sir, जरा तमीज से बात कीजिए. तमीज? चलो तमीज से बात करते हैं. आप लोग में कौन किसको प्यार करता है? सर, हमारे फ्रेंड्स राजा और हेमा एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन दोनों को ही घर में बंद कर रखा है। दोनों ही मेजर हैं, उनको मिलाने में आपकी मदद चाहिए सर। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में आप जवान पीढ़ी के दिलों में इतनी इज्जत है, वाकई खुशी की बात है। ठीक है, एक काम कीजिए, उनके प्यार के खिलाफ कौन कौन है उनका नाम लिखकर एक कंप्लेंट दीजिए। हाथ पैर तोड़कर सबको अंदर करता हूँ मैं। बोलिए। मिनिस्टर पप्पू सिंह की बेटी हेमा। के पी यादव का बेटा राजा। अरे रे रे रे। लड़की की उम्र 18। क्यों फाड़ रहे सर? एक मिनिस्टर दूसरा माफिया, हमारी वाट लग जाएगी। तुम्हारी ये हिम्मत की ऐसी दो हस्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने मेरे पास आए हो? अब सुनो, तुम लोगों को पुलिस तो क्या, ऊपर वाला भी बचा नहीं सकता। जाओ जाओ, जगह खाली करो। जरा रुकिए। सुनो बच्चों, तुम्हारे फ्रेंड्स के प्यार को जिताना है। यस, ये वही कर सकते हैं। कौन है वो? Yeah.
लड़के वालों को तो ठीक कर दिया, अब लड़की वालों को भी देख लेते हैं। सीधी तरह हमारी लड़की को छोड़ दो। हमसे जीतने के बाद बेशक अपनी लड़की को ले जाओ। Congrats, Hima. Hello. Thank you. बाप रे, फिर मैंने सपना देखा, बाल बाल बच गई। रंभा, राधा। ओके, गुड। मिठाई लो। वेरी गुड। मम्मी, तुम भी लो, कम ऑन। इट्स आवर इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। यू वेलकम। हाय। हाय। एक्सक्यूज मी। यस। मिठाई लीजिए ना। थैंक यू। यू वेलकम। एक्सक्यूज मी सर, लीजिए। ये मिठाई किस लिए? आज 15 अगस्त है, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। भाड़ में जाए तुम्हारा इंडिपेंडेंस डे। ए, यू स्काउंडल, तू जैसा कमीना आदमी विदेश में आकर बसने के बाद अपने वतन को भूल जाता है। तुम्हारे जैसे लोग मार खा के भी नहीं समझेंगे। मूड खराब कर दिया। ओके ओके, रिलैक्स, रिहर्सल का टाइम हो गया। आज हमें एक नया गाना कंपोज करके रिकॉर्ड भी। इन्हें और क्या टॉर्चर करें, खूब पिटाई की, नाखूनों में सुई घुसेड़ दी, 5 मेगा सीरियल के 50 एपिसोड भी दिखा दिए, फिर भी मुंह नहीं खोल रहे कमबख्त। सर, इस तरह के मुश्किल केस को निपटाना है तो प्राइवेट डिटेक्टिव शंकर है ना, उन्हीं को बुलाना होगा। बुलाना है? पहले से ही बुला लिया है, देखो वो आ गए। ये कर रहा डिटेक्टिव शंकर जिंदा रहेगा तभी तो मुजरिम को पकड़ेगा। तुम्हारे रिवॉल्वर में गोली है भी या नहीं? तुझ पर चलाने दो, उसके बाद बोलता हूँ। गाड़ी इसकी क्यों ले रही है? शंकर गायब? हाथ में भी नहीं टिकता है तेरा गन, हवा में भी टिक सकता है मेरा गन, क्यों? Hey, उन दोनों को पकड़ो। ये क्या शंकर सर, एक मुजरिम को शूट करके उन दोनों को भागने दिया। भागने वाले दूसरे केसेस में मुजरिम हो सकते हैं, लेकिन आपके ज्वेलरी शॉप को लूटने वाला मुजरिम कोई और नहीं, ये चश्मा वाला है। ये आप कैसे कह सकते हैं? अबे मुंह तो खोल। अरे ये क्या, गोली पैर में, खून मुंह में? ये खून नहीं, पान पराग मानिकचंद जैसे पान मसाले खा खा के अपने मुंह के अंदर ही एक अच्छा खासा ब्लड बैंक खोल के रखा है कमबख्त ने। उसका इस केस के साथ क्या ताल्लुक है सर? ताल्लुक है इंस्पेक्टर साहब, लूटे गए शॉप में मेन गेट से लेकर अंदर शोरूम तक, कचरे के डिब्बे को छोड़कर बाकी सभी जगहों में पान पराग खाकर इसने जो थूका है उसे आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन इस डिटेक्टिव शंकर ने गौर किया और मुजरिम को पकड़ भी लिया। सर, पान पराग के थूक को आधार बनाकर अदालत से इसे कैसे सजा दिलवाएंगे? कोई ठोस सबूत चाहिए ना। सबूत? हाँ? सबूत ढूंढ निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये तो चलती फिरती पान की दुकान है। खतरनाक जगह पर हाथ डाल रहे हो, जरा सोच समझ के। वो सांप का बिल थोड़ी है जो डरे, साहब आप डालिए निकालिए। खतरों से खेलना ही मेरा पेशा है। ये लो आपकी पेमेंट, बैंक में डाल दूं? तुम्हारे अकाउंट में मत डालना, मेरे अकाउंट में डालना। okay. बाय। वजन मत डालना, गाड़ी डैमेज हो जाएगी। बॉस, कार में आप आगे बैठे थे, फिर नीचे कैसे पहुंच गए? आगे बैठा तो खतरा है, सब मेरे छठे सेंस ने कहा, इसलिए ऑन द वे में ही अंडर चला गया। लेट्स गो। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास ना हो तो यू टर्न मारता हूँ, खुद ही देख लो। आप विश्वास हुआ ना, चलो गाड़ी में बैठो। सर सर सर, ऐसे ही हमारी बेटियों का मामला भी। व्हाट अ शेम, अपनी बेटियों को मामला समझते हो? शट अप। यस, पूरी बात तो सुनिए। प्रोसीड। हम तीनों की बेटियां फॉरेन के म्यूजिक कॉलेज में पढ़ाई खत्म करके कल यहाँ वापस आ रही हैं। उनकी शादी के बारे में ही आपसे बात करनी है। आई एम वेरी सॉरी, ऐश्वर्या राय मुझसे शादी करने के लिए एक टांग पर खड़ी थी, मैंने मना किया। एक्सीडेंट के बाद वाकई वो एक टांग पर थी। बुरा मत मानिए, मैं फिलहाल शादी करने के मूड में नहीं हूँ। हेलो, या हम आपकी शादी की बात नहीं कर रहे हैं, फिर? हम अपनी बेटियों की शादी की बात कर रहे हैं। वो मन ही मन किसी से प्यार करती है या नहीं, इसका पता लगाना है आपको। इतना ही नहीं सर, हमने उनके लिए 3 दूल्हे भी देख रखे हैं, आपको उन लोगों को आपस में मिलाना भी है। ऐसा काम करना गलत है। ओके, एक डिटेक्टिव का धंधा बदल रहे हो, कोई बात नहीं। 1000 1000 500 अमाउंट भी अपने साइज के हिसाब से बोलते हो।
2500 एडवांस में दे दो, फ्यूचर में एक एक जीरो बढ़ाता जाऊंगा। सर अमाउंट थोड़ा घटाइए ना। घटाऊंगा, पर इसे ले जाकर चारा डाल दो। ये लीजिए 500 के नोट, 1 2 3 4 5 पकड़िए, ले जाइए। दैट्स गुड। ओके रंबा, हमारा कंपोज किया हुआ सॉन्ग पूरे म्यूजिक कॉलेज में नंबर 1 सेलेक्ट किया गया है। हाँ, ये हमारी पहली कामयाबी है। अगर आशा ये सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, है ना? ए, आशा ने अपने सर्वेंट के जरिए ये लेटर भेजा है, देखो तो। डियर रंभा, राधा रानी, आई एम वेरी सॉरी, मेरी फैमिली में हुई कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से तुम्हें मिलने नहीं आ पाई, लेकिन किसी भी तरह तुम्हें सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पर मैं जरूर आऊंगी। तुम्हारी प्यारी सहेली आशा। जैसे ही हमारी बेटियां आ जाएंगी, इतनी धूमधाम से उनकी शादी कराएंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। अरे छोड़ ना, वो तीनों अपने साथ विलायत से एक एक अंग्रेजी दूल्हा भी लाए तो अपना टेंशन खत्म। देखो तो, दूल्हा ढूंढने की परेशानी भी नहीं और शादी का खर्चा भी नहीं, फायदा ही फायदा है। पूरी पलटन आई होगी स्वागत के लिए। सब लोग आ गए, हैंडबैग दिखाने दे रहा। लड़कियों को टकराए बिना तो चल नहीं सकता, खुद को हीरो समझता है। मैं भी तो खूबसूरत हूँ, मुझसे टकरा सकता था ना। कमाल है, हमें पूछे बिना टकराता है। जब मैं कह रही हूँ तो चुपचाप खड़ा है। चल फट, वो लोग आ गए, जल्दी चलो। लो निपट। हाय डैड, हाय मॉम, अच्छी हूँ। यही हमारा बैग तो वो। Hey, stop! वैसे कोई लड़कियों का हैंडबैग चुरा लेता है तो वहाँ पर कोई हीरो आके फाइट करके उसे वापस दिला देता है और वहाँ से रोमांस शुरू हो जाता है, पर यहाँ तो कोई हीरो नजर ही नहीं आ रहा है। उस तरह का हीरो तो सिर्फ फिल्मों में आता है। घूमते हुए भूमंडल को भी रोक सकता हूं मैं। साहब जी,
कानून को ताले में बंद रखता हूँ मैं, जानता हूँ। तूने मेरे ही आदमी पर ताला लगा दिया। जो मैं करता हूँ वही कानून है और जो मैं कहता हूँ वही इंसाफ। छोड़ दो उसे। साहब जी चाबी डीएसपी साहब के पास है। साहब जी ऐसा मत करिए साहब जी। आजा बेटे आजा 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 आजा। हे कानून अपनी जेब में रखकर घूमने वाले मुझ जैसे के साथ काम करने वाला तू इन कमजोर सलाखों में बंद हो गया। चल जा चल। साहब जी आप सुनिए साहब जी, मेरे पेट पर लात मत मारिए साहब जी। तू अगर ऐसे ही गिड़गिड़ाता रहा तो तेरे पेट पर ही नहीं तेरी लाश पर भी लात पड़ेगी। इस बैग में क्या है मालूम है? इस देश का पूरा लॉ एंड ऑर्डर इसके अंदर है। आतंकवाद को मिटाने के लिए हमारी सरकार जो पैसा खर्च करती है उससे भी कहीं ज्यादा पड़ोसी देश यहां आतंक फैलाने के लिए मुझे देता है। इस बैग को छोड़कर क्यों खामखा उस लड़की के बैग के पीछे पड़ गए थे? अनजाने में भूल हो गई थी साहब। इस देश में अनजाने में भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए। तो फौरन दिल्ली पहुंच, अगर पकड़ा गया तो साइनाइड खाकर खुद को मिटा। साहब जी ये बता तेरे गले का वो साइनाइड कैप्सूल कहाँ है? ये कौन सी ताबीज है बेटी? साइनाइड ताबीज, आतंकवादियों का आखिरी हथियार, मुझे एयरपोर्ट में मिला। ऐसी वैसी चीजें गले में बांधने के बजाय एक मंगलसूत्र बनवा लेती तो कितना अच्छा रहता। मंगलसूत्र पहनकर क्या तुम खुश हो माँ? मेरी बात छोड़िए, इतने निकम्मे निकलेंगे मुझे क्या मालूम था? उसे शादी करने के बाद ही मैं निकम्मा हुआ। ठीक है हमारी बात बाद में करेंगे। हाँ, अकेले में करेंगे। तेरा होने वाला दूल्हा बहुत अकलमंद है बेटी। ये तुम कैसे कह सकती हो माँ? क्योंकि हमने उसे देख लिया। एक सेट देख लिया? हाँ देख लिया। जिसे तुमने देखा है वो जरूर हाईटेक दूल्हा होगा। हाँ वो जरूर कोई चश्मा पहना हुआ कंप्यूटर इंजीनियर होगा। अमेरिका ले जाने के लिए ग्रीन कार्ड भी होगा उसके पास। देखा? हाँ रानी, वो प्योर वेजिटेरियन भी होगा है ना? माँ हम तीनों का एक ही दूल्हा है क्या? चल है, हर एक के लिए अलग अलग कंप्यूटर दूल्हा देखा है। सभी माँ बाप को सिर्फ कंप्यूटर दूल्हे की जरूरत है, और कोई पेशा ही नहीं, या और कोई दूल्हा ही नहीं मिलता। उसने तेरी तस्वीर भी देखी है। तो क्या हुआ? तू उसे बहुत पसंद है, तू नहीं मिली तो वो मर जाएगा। अगर मैं उसे मिल भी गई तो भी मरेगा। अगर मैं उसे मिल भी गई तो भी मरेगा। अगर मैं उसे मिल भी गई तो भी मरेगा। एक मिनट मैं उठाती हूँ। हेलो हेलो रुको। हेलो, बहुत दिनों के बाद किसी क्लाइंट का फोन आया है, उसे फोन पर ही डरा के मत भगाओ मुझे तो। हेलो, डिटेक्टिव शंकर स्पीकिंग। क्या कहा? बिन लैडन को पकड़ के दूं? सॉरी, मैं अमेरिका वालों के मामलों में दखल नहीं देता। बॉस के अमेरिका से फोन आया था? पागल हो गई क्या? झुमरी तलैया से कोई बुश की आवाज मिमिक्री कर रहा है। सारी दुनिया को पता चल गया कि मेरे पास काम नहीं है। मैं कम इन सर? नो, लगता है कोई क्लाइंट आया है, उन्हें दिखाना है कि हम बिजी हैं। ओके बॉस। ये बिजी नहीं, वहाँ जाकर कुछ काम करो। एक्सक्यूज मी, लगता है आप लोगों को ब्यूटी पार्लर की तलाश है, वो बगल वाली बिल्डिंग में है, वहाँ जाइए। नहीं डिटेक्टिव शंकर। दैट्स मी बेब, कम इन। कच्चे तो छोटे छोटे हैं, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। आई एम डिटेक्टिव शंकर। और ये मेरी ही क्लाइंट हैं। इंटरनेट में इनकी अश्लील वीडियो आ रही है, इसलिए मेरे पास कंप्लेंट करने आई हैं। इस केस को मैं बाद में देख लूंगा। व्हाट्स योर केस? हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके चुने हुए लड़कों से हमारी शादी हो जाए, और इस सिलसिले में वो आपके पास आए थे। वो तीनों लड़कियाँ आप ही हैं? आपके नाम भी खम्भा, गधा, नानी, ऐसा ही कुछ है ना? आई एम रानी, ये राधा और ये रंभा। अच्छा अच्छा, तुम्हारे बाप कहलाने वाले उन नमूनों ने जबरदस्ती ये केस मुझे दे दिया। सुना है इस काम के लिए 2500 रुपीस फीस भी लिया है आपने? पूरे 10,000, ये सिर्फ एक एडवांस है। हमारे पेरेंट्स को यकीन दिला दीजिए कि आप हमें मना रहे हैं, लेकिन हमारी मंगनी को किसी तरह रोकना आपका काम है। जरूर, वो 2500 सिर्फ दो शून्य, ये 10,000 है, चार शून्य है। जहाँ शून्य ज्यादा है वही मेरा सपोर्ट है। यू कैरी ऑन। थैंक्स, तो हम चलते हैं। जाइए, मंगनी के दिन फिर मिलेंगे। ओके बाय। सो यस, जिसे एनिमल प्लैनेट पे दिखाना चाहिए अगर उसे इंटरनेट पे दिखाएंगे तो कौन देखेगा? भाई भाई को काटने वाले आजकल के जमाने में आप तीनों दोस्त इतना मिलजुल के रह रहे हैं, खुशी की बात है। अरे आहिस्ता बोलो नहीं तो नजर लग जाएगी। लगता है लड़की आ रही है। अच्छा यही सही कहा तुमने। सब लोग आ गए। चलो, चलो, मोटी है लेकिन शक्ल सूरत से अच्छी है। चलेंगी? क्या कहा चलेंगी, ये तो हम ही जानते हैं हम इन्हें कैसे चला रहे हैं। अबे चुप,
इस तरह आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? ये हमारी बीवियां हैं। हमसे 10,000 लेके वो शंकर का बच्चा आया ही नहीं, अब हम क्या करेंगे? मुझे पहले ही शक था वो फ्रॉड है। वो नहीं भी आए तो क्या हुआ, हम खुद ही संभाल लेंगे। चलो सुपर घोड़िया है। हाँ? तब हमारी बीवियों को मोटी कहा था, अब हमारी बेटियों को घोड़ी कह रहे हो? कहो कि स्वर की अफसर आए हैं। लड़कियां हमें बहुत पसंद आईं, सुंदर और सुशील लग रही हैं। सब फैसले आप ही करेंगे क्या? हमें लड़कों से अकेले में बात करनी है। आइए आइए, प्लीज कम। आइए आइए ना। अरे कहाँ चले गए? अरे कहाँ गायब हो गए? क्या हुआ इनको? गायब? ऐसी हरकत करती रहोगी तो तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। हाय आकाश, हाउ आर यू? आई एम फाइन। इंडिया जाती तू मुझे कांटेक्ट करने वाली थी, देर क्यों कर दी? हम शादी कब करेंगे? मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, रंभा और राधा भी तो हैं। उनकी शादी तय होने दो, हमारी भी।
ए राधा छोड़ना का पीछा कर। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ओवरटेक हिम। कम ऑन फास्ट यार। अरे रुकना फास्ट। डैडी मम्मी को नहीं है ना? नहीं, खासकर रानी को पता नहीं होना चाहिए। उसे कुछ नहीं पता। चल। तुम में रंभा कौन है, राधा कौन है? ये रंभा, मैं राधा। You are under arrest. किस लिए? तुमने लॉरी ड्राइवर का खून किया, उसके लिए। खून किया? हमने? कब? गवाह है? चौपट कर दिया रंभा। एक खून करने के लिए फांसी है, दो खून के लिए भी वही फांसी। अब तुझे ठीक करती हूँ। इसकी जुबान से तूने गवाही दी थी ना? सपने में सब कुछ उगल दिया? हाँ बोल दिया। ये देख, खून के बारे में पेपर में छपा है। क्या क्या छपा इसमें? ए, चिल्लाना मत, हम बच गए। जिस कंटेनर ड्राइवर का हमने खून किया था, खबर आई है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। अच्छी बात है। लेकिन हमें खतरा तुमसे है। खतरा? कि तू किसी से कहीं कुछ बक न दे। रंभा, अरे बाप रे, चल चल हमारे साथ, जल्दी। एट एनी कॉस्ट हम आपस में नहीं लड़ेंगे और ना ही अपने पेरेंट्स से इसके बारे में कुछ कहेंगे। हमें इस टेंशन से निकलना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? हमारे प्लान के मुताबिक हमें एक म्यूजिक एल्बम करना चाहिए। सुपर आइडिया। यहाँ करेंगे? यहाँ नहीं, सिटी में जो हमारा फ्लैट है वहाँ करेंगे। हेलो,
हाय राधा, आशा बोल रही हूँ। हाय आशा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? रंभा रानी, मैं, हम सब अच्छे हैं। ये क्या, तुम इंडिया आने वाली थी पर आई नहीं? मैं वहाँ आना चाहती हूँ, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, पता नहीं कैसे आ पाऊंगी। हवा में उड़ के आ, नहीं तो पानी में तैर के। ले सरकार, बहुत भूख लगी है सरकार। मेरे पास जो भी भूखा आता है उसे हरे पत्ते में खाना खिलाकर हाथ भर के हरी पत्तियां देकर भेजता हूँ। क्यों, अच्छी आदत है ना? ढूंढ मत, उसमें जो था वही है ये। जब से तूने मेरा पीछा करना शुरू किया तभी से मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ। तेरे दिन भर गए तभी तो तू मेरे पास आया। क्या किया जाए बोल, यमराज के पास ओवरलोड है इसीलिए तुझे मेरे पास भेज दिया। मुझे कुछ मत करो सरकार। जब मौत की तलाश में आ ही गया है तो घबराता क्यों है? तुझ जैसे को सरकारी पगार नेशनल वेस्ट है और तेरे साथ बात करना मेरा टाइम वेस्ट है। साहब जी, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट। मुझे यूज करोगे तो तरक्की की सीढ़ी बनूंगा, मिस यूज करोगे तो कफन बनूंगा। हमारी बेटियां MTV और वी चैनल जैसे एल्बम बना रही हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन लेकिन क्या, हम शादी ही नहीं करेंगे कहकर हमारे फार्म हाउस में अकेली जाकर रह रही है, यही तकलीफ है ना तुझे? है? उन तीनों की नजर में बाप के लिए कोई इज्जत नहीं है। हमारे साथ ऐसा ट्रेड करते हैं जैसे हम पागल हैं। क्यों हंसे? हम उनके बाप हैं ये साबित करने के लिए डिटेक्टिव शंकर को हम उनके पीछे साये की तरह लगा देंगे। रमा बी केयरफुल, सीढ़ी कमजोर है। अब ठीक है? थोड़ा लेफ्ट। नहीं नहीं, राइट राइट, ये लेफ्ट लेना। राइट। शॉट वन, टेक वन। टेक ओके। आप कौन हैं? इस तरह के फालतू सवालों के मैं जवाब नहीं देता, मेरा असिस्टेंट जवाब देगा। राम काम। यस सर। ओह, दैट्स ओके। कीप इट। आई एम गोइंग इनसाइड। हे, वेयर आर यू गोइंग? साहब आलम के बारे में बात करने आए हैं, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। मैंने आपको कहीं देखा है? इन छोटी छोटी आंखों से देखना ही बड़ी बात है। गनीमत है कि तुमने मुझे देखा है। वैसे आप हैं कौन? डिटेक्टिव शंकर मेरा भाई है। सगे भाई हैं? सगे भाई हैं, लेकिन भाई नंबर वन। उफ़, दिमाग मत खाओ। मैं भेजा खाता हूँ दिमाग नहीं। मेरा भाई छोटी उम्र में बिस्तर पर ही बाथरूम करता था, तब से उसका नाम भाई नंबर वन हो गया। बाय द वे, तुम कौन हो? इस घर की नौकरानी? तुम्हारी शक्ल भी बुरी नहीं है, बाजू में आओ फोटो खींचता हूँ। व्हाट? सॉरी, हटो, इसका जवाब देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अगले साल मुझे ऑफिस में आकर मिलो। वो कौन है, धूल झाड़ने वाली नौकरानी? इसका भी चेहरा बुरा नहीं है। टिल्ट डाउन, पटलक भी सुपर, बीमा कराना चाहिए। कैच द हैट। क्या मैं तुम्हें नौकरानी दिखती हूँ? हम ही इस एल्बम के प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स? ऐसे फटे पुराने कपड़ों में फाइनेंस की कमी है क्या? शट अप, यही फैशन है। खैर कोई बात नहीं, घर के छोटे मोटे काम करने के लिए एक नौकर रखने की हैसियत नहीं, कल को मेरा पेमेंट कौन देगा? आई एम सॉरी, ऋतिक रोशन के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं बाद में मिलता हूँ। ऋतिक रोशन के साथ अपॉइंटमेंट है? ये क्या मालगाड़ी सिग्नल तोड़ के कहाँ से आ गई? यूं ही आज तक वालों की तरह बकबक करते जा रहे हो? तो फिर तुम ही बको। कौन हो तुम? व्हाट ए शेम, ये मेरा फ्रेंड शाहरुख खान सुनेगा तो कितना फील करेगा। मेरे बारे में कुछ भी जाने बगैर म्यूजिक एल्बम करने का ख्याल तुम्हें आया कैसे? आपके बारे में तो हमने पहले कभी नहीं सुना। व्हाट एन इंसल्ट, अच्छा हुआ ये बात डांस किंग गोविंदा ने नहीं सुनी। बाय द वे, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे बाल बच्चे भी हैं? इडियट, ये सब डॉल्स हैं। ये सचमुच एल्बम बनाएगा? ये कैसी फालतू बातें हैं, MTV वी चैनल वगैरह नहीं देखती? उनमें आने वाला हर एल्बम इन्हीं का बनाया हुआ है। इनका नाम है सुभाष कुमार बंसाली। सुभाष कुमार बंसाली? यस, सुभाष गई, राजकुमार संतोषी, संजय लीला भंसाली, ये सब मेरे साथ डायरेक्टर्स थे। व्हाट? मतलब मैं इनके साथ असिस्टेंट रह चुका हूँ। वो सब ठीक है या? तुम में एल्बम बनाने का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं? एक्सपीरियंस, तजुर्बा? तुम लोगों ने रिन साहब उनका एड नहीं देखा? नो प्रॉब्लम। ये बताओ एल्बम में कौन कौन मॉडल्स हैं? मॉडल्स? तुम्हें डांसिंग आती है? थोड़ी बहुत। ओह, वैसे तुम लोग पूरी भाजी तो खाती हो ना? ओनली पिज्जास एंड बर्गर्स। ओह पिज्जास, तुम्हें एक्टिंग आती है? नहीं आती। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, मुझे भी डायरेक्शन नहीं है। जैसा जैसा मैं सीखूंगा तुम्हें भी सिखा दूंगा। मेरे एल्बम के तीनों सुपर मॉडल्स तुम ही हो। क्या, हम आर्टिस्ट हैं? मुझे एप्पल जूस चाहिए। अभी से इनका नखरा शुरू। देखो सुभाष कुमार बंसाली का कमाल, तुम तीनों के एल्बम में नाचेगा गोविंदा। वादा किया था एल्बम के लिए गोविंदा को लाएंगे, यहाँ गोविंदा भी नहीं आया और वो दाढ़ी वाला डायरेक्टर भी गायब।
और उन दोनों को देखो वहाँ आराम से बैठकर जूस पी रहे हैं। वो दढ़ियल एक नंबर का 420। क्यों बेबी, जब मैं अप में था तब डॉन में मेरे बारे में बुरा भला कह रही थी? नहीं सर, गोविंदा कहाँ है सर? अपने तमाम प्रोड्यूसर्स को गोविंदा तंग कर सकता है लेकिन सुभाष कुमार बंसाली को नहीं। गोविंदा फ्लाइट लैंडेड, कार में कमिंग और शूटिंग स्टार्टिंग। लेट द क्रेन गो अप। थैंक यू गोविंदा जी, बहुत थक गया हूं। इधर आ, ऐसी भी क्या थकान है, तुमको पहले कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? हाँ, मैं नया हूँ। नए हो, इस तरह सीना फुला कर क्यों रखा है? गाने की वीसीडी है। गाने की वीसीडी? हाँ। कौन सी गाने की? अभी जो गाना फिल्म है उसी की वीसीडी। अरे बाप रे, इतनी जल्दी पैरसी? किसका फोन हो सकता है? किसी का भी होने दो, मुझे क्या है, मैं चला। हाय थ्री रोजेस, एक निर्दोष आदमी का खून करके तुम तीनों चैन से सो रही हो? नहीं समझी? खून, कंटेनर लॉरी ड्राइवर का खून। खामोश क्यों हो? बोलती बंद हो गई? अगर पुलिस को पता चला तो तुम तीनों को जेल जाना पड़ेगा। आप किस बारे में कह रहे हैं, हम नहीं जानते। तुमने जिस लॉरी ड्राइवर का खून करके उसके लाश को दफना दिया उसका पूरा सबूत मेरे पास है। वो एक्सीडेंट में मर गया, ऐसे ही न्यूज। पुलिस को गुमराह करने के लिए उस लॉरी का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया, ये थ्योरी तुम ही लोगों ने बनाया ना? न्यूज़पेपर वालों ने शायद इस पर यकीन किया होगा, लेकिन मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर सकता हूँ। इसका वीडियो कैसेट में भेजता हूँ, डॉल्बी साउंड सिस्टम के साथ मजा लूटना। अब तुम क्या चाहते हो? मुझे 5 लाख रुपये चाहिए, साथ साथ तुम तीनों भी कल शाम 7 बजे बीच रेस्टोरेंट में आ जाना। इतने सारे रुपए बेवजह उस आदमी को देने पड़ रहे हैं। उसने धमकी दी है तो सिर्फ इन रुपयों के लिए। उसने जहाँ बुलाया है वहाँ जाके पैसे दे देते हैं और उससे सबूत ले आते हैं। अपना सरदर्द खत्म। सरदर्द किसको और किस लिए बाबा? ये जाके अपना काम देखना। एक हाथ दूंगी ना। मॉल किधर है? क्या हुआ, क्या किया राम ने? ये राम नहीं, रमा है। हेलो राय, राय ने कौन सा राय? मैं बहुत सारे राय को जानता हूँ। हाँ बोलिए। ओह ऐश्वर्या राय, पहले क्यों नहीं बताया? वन मिनट, मेरे लिए लारा दादा का फोन है। नहीं, उसके दादा का नहीं है। हाँ ओके ओके, हाँ बोलो। हाँ, मैंने इसलिए फोन करने के लिए कहा कि पिछली बार जैसे तुम्हें चुन लिया था वैसे इस बार नाइजीरिया की एक लड़की को मिस वर्ल्ड चुनने वाला हूँ। नहीं, क्यों नहीं, तू क्या जानता है, चुप रह। हाँ हाँ बोलो। हाँ मालूम है, कल ही सचिन का फोन आया था, कह रहा था कि मुझे देखकर ही उसने दाढ़ी रखी है। मैंने कहा अच्छा लग रहा है, ऐसे ही मेंटेन करते जाओ। हाँ क्या एल्बम करूँ तुम्हें रखकर? आई एम सॉरी, मेरे पास पहले ही 3 सुपर मॉडल्स है, मैं उनका दिल क्या। इतना ही नहीं, लगता है मेरे असिस्टेंट को भी ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं है, उसकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं करता। ओके, अपने अमेरिका वाले एजेंट को मैंने याद किया है बोला। अरे ये क्या है, क्या हुआ तुझे? अरे तू क्यों रो रहा है? देख, लड़का होकर रोता है, मूंछों वाले रोया नहीं करते। जैसे ही तूने मना किया मैंने ऐश्वर्या राय के प्रोजेक्ट को कैंसिल किया। तो रो मत, तू मेरा राम है, मेरा लाडला राम। बैटरी ही नहीं, तूने कैसे बात की? बैटरी लगाने पर भी इससे बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाल चौक के फुटपाथ से मैंने 10 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदा था। ये बच्चों के खेलने की चीज़ खेल हम दिखाएंगे। छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, घर जाना है मुझे। ऐसे ही जा, पैंट के बिना कैसे बाहर जा पाऊंगा? नहीं मिलेगी, जाना है तो ऐसे जा। हाफ नेकेड भेजोगी क्या? तुम लोगों को गोविंदा के साथ कैसे कैसे डांस कराया मैंने। तू क्या डांस कराएगा, वो तो पहले से ही हीरो नंबर 1 है। तू बोल ना। छोड़ो ना बॉस,
क्या? अब पहली बार एमटीवी के डीजे की तरह स्मार्ट लग रहे हो। क्यों नहीं कहेगी, तू भी तो रामसे ब्रदर्स के हॉरर फिल्मों में आने वाली भूती जैसी दिख रही है। अब तू नहीं गया तो उसकी पैंट भी उतार दूंगी। ऐसा मत करिए, जंगल के सभी हाथी जंगल छोड़ के शहर में आ जाएंगे। ये ग्लासेस अपने आप हिल रहे हैं। सिर्फ ग्लास ही नहीं, इसके कांपने से पूरा टेबल हिल रहा है। देखो टंग कैसे कांप रहे हैं। सिर्फ टांगे ही नहीं, पूरा स्ट्रक्चर ही कांप रहा है, क्योंकि उसने हम तीनों पर ही तो निशाना लगाया है। अब चुप भी रहे। हाँ? उसे आने दे, मैं संभालूंगी। अरे शंकर साहब, यहाँ क्यों खड़े हैं, कहीं बैठ जाइए ना। इसके बैठने लायक स्ट्रांग कुर्सी है यहाँ पे। है क्यों नहीं। मैं अपनी वसीयत पर तुम्हारा नाम लिख देता हूँ। किस लिए सर? इसे नाश्ता खिलाना है, मुझे जेब में पैसे नहीं है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। हम कहीं अलग से बैठकर जो मर्जी माया खा लेते हैं, आखिर में तुम सिर्फ एक चाय का बिल लाकर दे देना। जब मुझे पैसा मिलेगा तब पूरी रकम लाकर किसी अंबेडकर स्टैचू के पीछे तुम्हारे हाथ में थमा दूंगा। अंबेडकर स्टैचू कहाँ? बेवजह मुझे पॉलिटिक्स में मत घसीटो, राजीव गांधी का नाम क्लियर हो गया, उनके स्टैचू के पीछे आ जाना, मैं पैसे वहीं पे दे दूंगा। सर जल्दी कहीं जाकर बैठ जाइए, मैं आइटम लेकर आता हूँ, सिर्फ वहाँ रोशनी नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी, ये है ना रोशनी को अंधेरा करने के लिए, तुम आइटम लेकर आओ, जाओ। ओके सर। ये क्या, सिर्फ हमारे टेबल पर अंधेरा हो गया? अरे रे, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा था ना, तू कुछ मत बोल। लगता है वो आ रहा है, इसलिए सिर्फ हमारे टेबल में अंधेरा कर दिया है। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ओह, मेरी तरह तुम्हें भी पैसों की प्रॉब्लम है। मैंने ही यहाँ अंधेरा करवाया है, झट से अपना काम निपटा कर निकल चलेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हम तो एडजस्ट करने के लिए आए हैं, अब आपको एडजस्ट करना होगा। लो, इतना एडजस्टमेंट काफी है। जानबूझ के अनजान मत बनो। हम जानते हैं कि तुमको पता चल गया है कि हमारे यहाँ तो एक खून हुआ है। खून 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 बोलकर मत डराइए। कोई चलती गाड़ी पर आके गिर जाए तो व्हील तो ऊपर चढ़ेगा ही ना उसके। अरे वो तीन डायनो एक खून करके मेरे ही सामने बयान दे रही हो, ठीक है? पीठ जल रही है। अनजाने में जो हमसे भूल हो गई उसके लिए ब्लैकमेल कर रहे हो, क्या ये गलत नहीं? एक कत्ल के लिए तुम तीनों का बिक जाना कुछ गलत नहीं है। मेरी बात सुनिए, दया करके ये रुपए लेकर वो सबूत हमें दे दीजिए। सबूत को कहीं से भी ढूंढ कर स्पीड पोस्ट में भेज दूंगा, फिलहाल कैश मुझे हैंड डिलीवरी कर दो। ये लीजिए। दे दो। वहाँ नहीं, यहाँ। यहाँ दे दो। यहाँ नहीं, वहाँ। ठीक है, वहाँ दे दो। देखिए सामने है। सामने है? ये क्या, टिश्यू पेपर को करेंसी कह रही हो? मर गई। भांडा फोड़ दिया मोटी की बच्ची ने। तू? डिटेक्टिव शंकर, तुम्हारे जुर्म को तुम्हारी ही जुबान से कबूल करवाया है इस डिटेक्टिव शंकर ने। ओके, अब तुम मुझे ये पैसे नहीं दोगी? कोई बात नहीं, मुझे आईजी से मिलकर तीन लड़कियों के इकबाल जुर्म के बारे में कहना है, बाद में किसी अदालत के बरामदे में मिलते हैं, बाय बाय। डिटेक्टिव साहब, बाकी बातें हम रूम में करेंगे ना। रूम में? सचमुच? तो फिर फौरन बादाम, पिस्ता, बीटरूट, कैरेट, इन जूसों को पैक करवा के लाओ, क्योंकि कड़ी मेहनत के लिए इन जूसों की बहुत जरूरत है, समझ गई ना? और तुम चटपटी छोटे छोटे काजू फ्राई करके लाना, वो भी देसी घी में। ओके, ये सब साइड डिश है, तू तो मेन डिश है, चिकन बिरयानी पैक कर पाना। और सुन, लग पीस जरा मोटे मोटे होने चाहिए देवी तरह। ओके, हमने आपकी पैंट उतारी, रेस्टोरेंट में बुरा भला कहा, सब भूल जाइए ना प्लीज। सिगरेट। सर हम तीनों लड़कियां हैं, जानकर खुशी हुई। अगर ये बात बाहर आई तो सोचिए हमारे भविष्य का क्या होगा। Write it. मेरी पैंट उतार के मुझे वैसे ही बाहर निकाल दिया तुम लोगों ने। ट्रैफिक में कितनी परेशानी झेलनी पड़ी जानती हो? न्यूज़पेपर से अपनी आबरू को ढकना पड़ा, इतने में कोई आके उसी न्यूज़पेपर में लॉटरी का नंबर देख रहा था, जब नंबर नहीं लगा तो गुस्से में आकर उसी जगह मारा, पीछे कोई स्कोर देख रहा था, सचिन का जीरो देखा तो उसने भी बजा दी। ओके, नाउ आई वांट टू रिलैक्स। तुझे रिलैक्सेशन के लिए हाथ चाहिए? तो हो जा रिलैक्स, ये ले, ये ले। हमारा राज जाने वाला दूसरा आदमी, क्या करे बोल, चाकू से काट देंगे इसे। मुझे बन को भी समझाया क्या जो चाकू से काट दोगी? तुझे तड़पा तड़पा के मारेंगे। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। जानती हूँ, पैसों के साथ आने के लिए कहकर तुम वहाँ नहीं आए, ऐसा धोखा क्यों दिया तुमने? ज्यादा मत बोलो, मैं आया था, जब मैंने तुम तीनों को बुलाया तो साथ में एक और आदमी को भी क्यों लेकर आई? अब गौर से सुनो, इस बार तुम तीन ही आओगी। Thank you.
मैंने तो तुम तीनों को बुलाया था, अकेली चली आई। उसे तेरा क्या मतलब, मैं रुपए लेकर आई हूँ। रुपए अपने सामने पड़े ड्रम पे रखे जाओ। इनके डॉक्यूमेंट्स ओके है ना सर? और मैडम के? इनका पासपोर्ट दिखाइए सर। पूछ रहे हैं ना, दिखाइए प्लीज। जरा बुरका हटाइएगा मैम। क्या बात है? आपको इसी वक्त पुलिस स्टेशन चलना होगा। आप इन्हें पहचानती हैं? आशा, क्या हुआ? यही है सलीम, मैं इन्हीं से प्यार करती हूँ। हम दोनों को अलग करने के लिए मेरे अब्बा ने मेरा पासपोर्ट छीन लिया। मुझे अपनी नौकरानी के पासपोर्ट पे आना पड़ा और पकड़ी गई। मैं तुम्हारे भरोसे आई हूँ। मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस मिट्टी की एक सभ्यता है, उस पर जिसने भी भरोसा किया वो कभी निराश नहीं हुआ। हम अपनी जान देकर भी तुम्हारे प्यार को जिंदा रखेंगे। ये बात लगता है वो भाग गया। बॉस, आपके पैर का दर्द तो ठीक हो गया। फिर भी मत झुकना, दोबारा लुढ़क जाऊंगा। सर, हीरोइन मुमताज की स्टैचू बनाना। मुमताज की स्टैचू? जी हाँ, चौरास्ते पे लगाएंगे। चौरास्ते पर स्टैचू? चौरास्ते पर स्टैचू रखने के लिए मुमताज कोई पॉलिटिकल लीडर है? पहले से ही नेता लोग कितना तकलीफ उठा रहे हैं जानते हो? आसमान में उड़ने वाले पंछियों के लिए नेताओं की स्टैचू ही टॉयलेट है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मुमताज की भी वही हालत हो जाए। मन में भक्ति है तो मुमताज की स्टैचू मत लगाओ, एक मंदिर बनवाओ। बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा है ना? ये ले लीजिए एडवांस के तौर पे, ये चैन रख लीजिए और कभी भी पैसों की जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना। 5 लाख रखे, मुमताज के लिए 4 लाख दे दूंगा। पेट की भूख मिटाने के लिए एक एक्स्ट्रा रोटी नहीं देता है, मुमताज के मंदिर के लिए सोने की चेन उतार कर दे रहा है। तेरे पास से वो 5 लाख रुपए मैं कैसे हड़पती हूँ देखते रहना बच्चों। क्या मजेदार खाना है। कोई मुझे याद कर रहा है, पता नहीं कौन है।
सर आप इस तरह खामोश क्यों हैं सर? मेरी फ्रेंड को बचाने की कोई तरकीब निकाल लेना। मानता हूँ मैंने बहुत सारे केसेस जीते हैं, कानून की अनगिनत किताबें पढ़ चुका हूँ, इसके बावजूद ये केस मुझे बहुत रिस्की लग रहा है। प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, यही आज तक मैंने सुना है। अब कानून की नजर में प्यार करना जुर्म हो गया? चाहे जितना भी पैसा लगे कोई बात नहीं, किसी तरह हमारे फ्रेंड को बचाइए। चाहे जितने भी पैसे खर्च कीजिए, मुझे नहीं लगता उससे कोई फायदा होगा, आपकी फ्रेंड बच नहीं पाएगी। तो अब तुम लोगों ने नया हंगामा शुरू कर दिया है। किसने कहा? ए पूछ रही है ना, बताना। हम इतने भी बेवकूफ नहीं है, तुम सब क्या कर रही हो इसकी हमें जानकारी है। तुम्हारे वकील ने सब कुछ बता दिया, वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी लड़कियां ऐसा गलत काम क्यों कर रही हैं। आशा हमारी फ्रेंड है पापा, अगर हम उसे बचाने की कोशिश न करें तो हमारी दोस्ती किस काम की? आप लोग उसे बन पड़ी तो हमारी मदद कीजिए, नहीं तो चुपचाप रहिए, हम खुद ही देख लेंगे। आप लोग मूर्ति बन के क्यों बैठी है, कुछ बोलेंगे नहीं? ये सब तेरे बाप उस मोटू की वजह से हुआ। तो तेरा बाप क्या कम है, खेतों में खड़े हुए पुतले जैसा है। अरे तेरा बाप तो तेरी माँ की दुम है। क्यों, तेरा बाप तेरी माँ की दुम बन के नहीं घूमता है? हे जबान संभाल कर, यू स्टूपिड, यू स्टूपिड, योर मदर स्टूपिड, योर फादर स्टूपिड। अरे जा जा, और देखे तुम जैसे हो। व्हाट इज इट फॉर योरसेल्फ, यू इडियट, यू आर अ मंकी, यू आर अ डंकी। ये यू एक बार है, मैं सो रहा हूं, मैं चुप हो जाऊं। तुम लोग किस हद तक जा सकती हो देखने के लिए, हम अभी तक चुप बैठी थी। सारी परेशानियों की जड़ ये बाप लोग हैं। क्यों, लड़कियों को घर में ही बंद करके रखोगे? जो उनके मन में आए उनको करने दो। हमारा फर्ज बनता है उनके नेक कामों में उनका साथ दें। कितनी घुल मिलकर रहती थी हमारी बेटियां, इनमें आपस में झगड़ा करवा दिया। आप मेरे साथ चलिए। सबके सामने कहां ले जा रही हो? मेरे साथ चलिए, मजा चखाती हूं। आज तुम कुछ अलग ही मूड में दिख रही हो। अगर मुंह खोला तो तुम्हें तुम्हारे मैके भेज दूंगी। हाय आकाश। हाय रानी, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हारी फ्रेंड आशा किसी मुसीबत में है, उसका क्या हुआ? हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं आकाश, उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही उसकी समस्या हल हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। कंप्यूटर के सामने बैठ के भी सपना? नहीं तो। अरे छिपाने की कोशिश मत कर, तेरे चेहरे पे लिखा है कौन है वो। अगर मैं ना बताऊँ तो क्या मारोगी? बताएगी तो भी मारेंगे। आशा हमारे भरोसे आई है, उसे उसका प्यार मिलने तक भूख प्यास नींद सपना ये सब हमारे लिए मना है। किसी अच्छे वकील को रख के उसे बचाना होगा। मैं तैयार हूँ, मोहब्बत जिंदाबाद। आइए अल हजीरा साहब, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आजकल हमारे बच्चों को कोई काम ही नहीं दे रहे आप। हम काम देने के वास्ते आए हैं। अच्छा, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े शेख की बेटी माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर घर में काम करने वाले दो कोड़ी के एक इंडियन कूली से प्यार करके घर से भागकर इंडिया चली आई है। इस वजह से हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। उसे वापस ले जाने की जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स ने हमें सौंपी है, वही जिम्मेदारी हम आपको सौंप रहे हैं। उसे जिंदा पकड़ कर भेज दूं या लाश में तब्दील करके? वो हमें जिंदा चाहिए, हमारे कानून के मुताबिक उसे सजा देनी है। उसे हमारे मुल्क में हम अपने रिवाज से मारेंगे। अभी ये केस कोर्ट में है और आप तो कानून के खिलाड़ी हैं, उसे पकड़कर हमारे हवाले कीजिए, हम आपको माला माल कर देंगे। बाहरी मुल्क से केस आया है, एक अरबोंपति की बेटी जो यहाँ भाग कर आई है, करोड़ों में फॉरेन करेंसी मिलेगी, लड़की को जिंदा भेजना है। तो कानून का सौदागर है, क्या बोलता है? उस लड़की की मर्जी भी तो देखनी पड़ेगी। कानूनन कोशिश करके देख, अगर कोई दिक्कत आए तो अपने बच्चे तैयार हैं। आखिर में मुंह काला करके मेरे पास आकर मुझे टेंशन मत देना, कानून मेरी मुट्ठी में बंद है और ये मुट्ठी कभी नहीं खुलेगी। कानून की किताबों में कई छेद मौजूद हैं, उनमें से किसी एक छेद के जरिए उसे बाहर निकाल के ले आ। फ्रेंड्स होने के नाते मुलजिमा के लिए वकील का इंतजाम किया? हम बहुत से वकीलों के पास गए, सभी ने मना कर दिया सर। प्यार तो एक चक्रव्यूह है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सका, ये प्यार के नाम पर पराये देश में आ पहुंची है। ऐसे केस को लड़ने के लिए कौन सा वकील सामने आएगा योर ऑनर? नकली पासपोर्ट पर यहाँ आने वाली आयशा अल वहाद और मिस्टर सलीम को 14 दिन तक पुलिस की हिरासत में रखा जाए। हे चलते बनो,
कब तक तमाशा देखोगी? हे, इन दोनों को जीप में बिठाओ। क्यों सर, क्यों धमका रहे हैं? कोई कत्ल तो नहीं किया, पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं ना? ऐसा क्या पूछताछ करने वाले हैं? हम भी तो जरा देखें। हे, ज्यादा जुबान चला रही हो। देखिए आप, हमारे जज्बात आप नहीं समझेंगे, उसके मन में टेंशन है। अच्छा अच्छा, तुम लोग टेंशन में आ जाओ तो बदनामी पुलिस की। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखोगी। सबक तो हम आपको सिखाएंगे। रंभा तू चुप रहे, आपको जो करना है वो कर लीजिए, गिरफ्तारी करेंगे ना, कर लीजिए। तो तुम लोग झगड़ा करने के लिए आई हो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना सबको अंदर कर दूंगा। वेरी गुड, पुलिस हो तो ऐसे ही हो, किसी ने भी आवाज उठाई तो फौरन पकड़ के अंदर कर दो। आप इस वहम में है कि इस खाकी वर्दी के साथ हर मनमानी करने का पावर मिल गया है आपको। इस वर्दी के कारण ही आपके पास पावर है, लेकिन लड़कियां ऐसी नहीं, उन्हें छूकर तो देखिए तब उनके पावर का पता चलेगा। इन्होंने क्या किया, धमकाया, क्या नाम है, एसी प्रताप, इन्होंने हाथ पकड़ा, कोई गंदी बात की होगी, है ना? डरो मत, मैं देख लूंगी। यहां तो लेने क्यों चले अदालत? दोनों को जीप में बिठाओ, चलिए। मैडम आप, ओह आई एम सॉरी, आई एम चंद्रलेखा एडवोकेट। अपने फ्रेंड के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं, आज पूरी दुनिया की निगाहें उस पर हैं। अदालत में उसका मुकदमा मैं लड़ूंगी। थैंक यू मैम। ये पैडलबोट अपने आप बाएं तरफ क्यों मुड़ रहा है? क्यों रोक दिया? अच्छा मुमताज, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, अब तो अपने चेहरे का दर्शन करा दो। क्यों बार बार मुमताज मुमताज कह के पुकार रहे हैं? अब तो मैं एक आम लड़की की तरह खुशी से घूम रही हूँ, वो नाम याद मत दिलाइए प्लीज। ओके, फिर भी मुमताज चेहरे का दर्शन ना सही, कम से कम अपने पद दर्शन तो करा दो। किस लिए? मतलब एक पदोपहार, यानी आपके पैरों के लिए पाजेब लाया हूँ, आज इस पाजेब की किस्मत चमकेगी। संभल के जिंदगी में आपके ऊपर आने में इस तख्त का भी योगदान है, बहुत खूब बहुत खूब। आप क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, हाथी मेरे साथी में राजेश खन्ना के दोस्तों के पाँव ठीक इसी तरह थे, बिल्कुल संगमरमर की तरह, लगा देता हूँ। लैला का मुल्क वहां है और मजनू का यहां, वहां की मोहब्बत यहां कैसे पहुंची, लैला को यहां से बचाकर वहां कैसे पहुंचाया जाए? hey! जी साहब। उस लड़के पर कोई खास जुर्म नहीं है और वकील ने कहा है कि वो आज बरी हो जाएगा, जैसे ही वो अदालत से आजाद हो जाए उसे इस दुनिया से आजाद करके ऊपर भेज दो। जानते हो आशिक के मरने के बाद माशूका क्या करेगी? दो बूंद आंसू बहाकर वो खुद ब खुद अपने मुल्क लौट जाएगी। फौरन जाओ, उस लड़के का किस्सा खत्म कर दो, जाओ। सलीम, Ah!
सर, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, इन तस्वीरों को देखकर मुझे जरा भी नहीं लगता कि ये कोई आम मॉडल है। हाँ मदन, इसी लड़की को मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने पसंद किया है। मंगनी के पहले मैं चाहता था कि मैं इसे एक बार मिल लूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इसकी एक ही फ़ोटो दी थी। मैंने इसकी बहुत से एंगल से ढेर सारी फ़ोटो खींची हैं। वेरी नाइस। रुसी पटा था मन देखा, जीन की आइटम मन देखी, इंडियन ब्यूटी है सब सचाप, यू आर माय स्वीटी स्वीटी लॉलीपॉप। इस दुनिया को पहचान लिया, ऐसी ब्यूटी और कहां, ओ माला। देखे लंदन अमेरिका पर तुम जैसा कोई और कहां, जन्म जन्म जो प्यार करे ऐसा प्रेमी और कहां। तू तो इंडियन है जोरी जाने, तू प्रीत को गोरी, तेरी मैं दुल्हन बनूंगी सजना सजना, मैं सोला सिंगार करूंगी बलमा बलमा, ओ मोरे बलमा 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 बलमा। जापानी गुड़ी
क्या बात है मैडम, आपने बुलाया? हाँ रानी, मेरी लाख कोशिश के बाद भी मैं तुम्हारी फ्रेंड को नहीं बचा सकी। हाँ? उसे दिलो जान से प्यार करने वाले सलीम से उसे छीन कर अपने मुल्क ले जाकर वो उसकी जान लेने वाले हैं। कोई नई बात हो तो उसके बारे में पूछेंगे ना। क्या सपना देखा होगा? किसी ने जबान काट दी होगी या फिर नाक, यही ना? अरे नहीं, वकील मैडम कह रही है वो आशा को बचा नहीं पाएंगी और उसके गांव के लोग उसे पत्थर मार रहे हैं। अपना मुंह बंद कर। वकील के पास जाने से पहले ही शुरू कर दिया तूने? हम लोग चाहते हैं कि उसकी जिंदगी बन जाए। अगर आप शगुन वाली बात निकाली तो जान से मार देंगे। आशा और सलीम की शादी होने तक तो सोएगी नहीं, और अगर फिर भी सपना देखा तो तुझे पागल ठहरा के मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगी, समझ गई? क्या मुझे सपने देखने का भी हक नहीं? तू और तेरा सपना। नमस्कार नमस्कार, सभी मीडिया वाले आ गए, एक एक करके सवाल कीजिए, एक एक करके। सर आप तो सिर्फ मुमताज के फैन थे, अब उनसे शादी करने के बारे में कैसे सोचा? मैं मुमताज का सिर्फ एक फैन नहीं हूँ, मैं उनका हमदम, हम नवाज, हम सफर, ऐसा सब कुछ हूँ। जब मैं उनका फैन हुआ करता था तभी उनके मंदिर बनवाने के लिए गले से चैन उतार कर दी थी। ऐसी मैंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं उनके लिए, उन कुर्बानियों में मेरी बेवकूफी छुपी हुई है, उसे ना कहना ही बेहतर होगा। सर आपको उम्मीद है कि मुमताज आपसे शादी करेंगी? हम जो उम्मीद करते हैं वो कभी पूरी नहीं होती, जो उम्मीद नहीं करते वो हो जाता है, इसी को जिंदगी का सफर कहते हैं। सर सर दोबारा कहिए ना। सॉरी भूल गया। आपकी ताकत और कमजोरी? मेरी कमजोरी ही मेरी ताकत है और ताकत ही मेरी कमजोरी है। सर आप अपनी शादी में किस किस को बुलाएंगे? मैं मुमताज को बुलाऊंगा और मुमताज मुझे बुलाएंगे। सर हनीमून के लिए आप कहाँ जा रहे हैं? ये म्यूनिसिपैलिटी फैसला करेगी। सर म्यूनिसिपैलिटी में कौन कौन है? इसका फैसला राज्य सरकार लेगी। राज्य सरकार में कौन कौन है सर? मैं और मुमताज होंगे। आपने जो भी कहा कुछ समझ में नहीं आया। प्यार करके देखो, आप भी अनशन बकने लगेंगे। क्या शादी के बाद भी मुमताज फिल्मों में एक्टिंग करेंगी? शादी के बाद वो हाउसवाइफ बनना पसंद करेंगी। आपका हाउस कहाँ है सर? उनसे शादी करने के बाद ही मेरा कोई हाउस होगा। शादी तय करने के बाद मुमताज के चेहरे पे चमक आई होगी, है ना? वैसे मैंने अभी तक मुमताज की शक्ल ही नहीं देखी। मुमताज से पहले और मुमताज की बात आपके जीवन पर इसका क्या असर है? पहले मैं हवा का एक झोंका था जिसकी कोई दिशा नहीं, मंजिल नहीं। अब तो मैं नदी का बहता पानी हूँ जिसकी दिशा भी है और मंजिल भी, वो है मुमताज। लोगों के लिए आपका कोई संदेश? मैं जानबूझकर कुएं में कूद रहा हूँ, और वो कुआं है, तालाब है या महासागर, ये डूबने के बाद ही पता चलेगा, बगैर एडिट के टेलीकास्ट करना है। धक धक करने लगा मन, जरा डरने लगा सैया भैया। अबे ये क्या, लास्ट फिल्म देखकर आने वालों को लूटने के लिए खड़े हो क्या? कौन हो तुम लोग? मुमताज से शादी कर रहा हूँ कहने वाला तू ये ना? हाँ, क्या तुम्हें इनविटेशन चाहिए? हटो। अगर इसकी शादी हो गई तो हम जिंदा लाश बन जाएंगे, उससे पहले हम इसे लाश बना देंगे। मुझे लाश बनाएंगे? चल खिसक। अबे अमिताभ बच्चन जैसा स्टाइल मार रहा है, हड्डी पसली एक करके रख दूंगा। ये क्या, अब ये कौन सा पोज दे रहा है? चल भाग साला, बच गया ना। नकली पासपोर्ट के साथ पकड़ी जाने वाली आयशा अलवाहद उर्फ आशा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। आयशा अपनी प्रेमी के साथ इस देश में रह पाएगी या नहीं, इसका मुकदमा आज शुरू होगा। Your Honor, कटघरे में खड़ी मुलजिमा आयशा अलवाहद एक धोखेबाज लड़की है, ये तहकीकात के दौरान साबित हो गया है, और ये है इस बात का सबूत। इस पर गौर फरमाइए। मुलजिमा हमारे देश को धोखा देना चाहती थी, इनसे हमारे देश को किसी भी पल किसी भी घड़ी खतरा हो सकता है, इन्हें यहाँ पनाह देना बहुत बड़ी भूल होगी, इसलिए जल्द से जल्द इन्हें इनके मुल्क वापस दे दिया जाए, यही मेरी अदालत से दरख्वास्त है Your Honor। हमारे काबिल सरकारी वकील बार बार ये कह रहे हैं कि इस भोली भाली लड़की आशा से हमारे देश को खतरा है, लेकिन एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि कैसा खतरा है।
अगर प्यार करने से किसी देश को खतरा हो सकता है तो इससे ज्यादा बेबुनियादी बहस और कुछ नहीं हो सकती। विदेश से यहाँ गलत तरीके से आई हुई लड़की के लिए आप केस लड़ रही हैं, मैं इस बात से हैरान हूँ। अगर हमारे देश से कोई लड़की वहाँ जाती तो क्या वो लोग उसकी शादी करा देते? आपने बिल्कुल सही फरमाया, अगर हमारे देश की कोई लड़की वहाँ जाकर प्यार करती तो उसे यकीनन मार दिया गया होता। ये जानने के बावजूद आप उसे बचाना चाहती हैं? यही तो हमारे देश की सभ्यता है। जो भी हमारे देश में शरण के लिए आते हैं उनकी रक्षा करना ही हमारी संस्कृति है, परंपरा है। भरोसा करके यहाँ आने वालों का हमने स्वागत किया है। दुनिया में इंसान और इंसानियत को महत्व देने वाला एक ही देश है भारत। ये मासूम लड़की इस मिट्टी पर भरोसा करके यहाँ आई है, इसको जिंदगी देने में हम सबको फक्र महसूस होना चाहिए योर ऑनर। प्यार का बहाना करके कल कोई आतंकवादी भी हमारे देश आ सकता है, उन सबका हम स्वागत करते रहेंगे। बाहर से हमारे देश में आने वालों में आतंकवादी कौन है, प्यार करने वाला कौन है, इतना भी हमारा इंटेलिजेंस पता नहीं लगा सकता? कि यही आपके कहने का मतलब है? प्यार करने वालों को जीने दीजिए, यही मेरी विनती है। इसके लिए हमारा कानून इजाजत नहीं देता। तो कानून को बदल डालिए, एक नेक काम के लिए कानून को बदलने में कोई बुराई नहीं। जब पूरा देश आतंकवाद से परेशान है, ऐसे मौके पर इस तरह के लोगों को पनाह देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है योर ऑनर। माफ कीजिए, मेरे ख्याल से हमारे काबिल सरकारी वकील आतंकवाद की परिभाषा नहीं जानते। वकील भी एक तरह का आतंकवादी ही है। गलत काम करने वालों को बचाने वाला वकील भी कानून की नजर में गुनहगार है। ये दोनों प्यार करने वाले, इसमें कोई शक नहीं। इसका सारा सबूत अदालत के सामने रख दिया गया है, इसके बावजूद आप इसे बाहर भेजने की जिद कर रहे हैं। बाहर से आपको कोई पैसा वैसा मिला है, ऐसी मेरे मन में शुबह है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, लगता है जरा छूट दे देते वकील साहब मुझे भी आतंकवादी ठहरा देगी। मोहब्बत ही खुदा है, कानून को इंसान ने बनाया है, लेकिन प्यार ऊपर वाले की देन है। इंसान चाहे तो कानून को बदल सकता है, लेकिन योर ऑनर सिर्फ प्यार से ही इंसान को बदला जा सकता है। हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, इन प्यार करने वालों को एक करके अपने देश में इन्हें पनाह दे दीजिए, यही इस अदालत से मेरी दरख्वास्त है। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद ये बात साफ जाहिर होती है कि मुलजिमा आयशा अल वहाद नकली पासपोर्ट दिखाकर हमारे देश को धोखा देना चाहती है। इन पर अगर रहम किया जाए तो ये मुमकिन है कि कल हमारे देश के दुश्मन भी उसका नाजायज फायदा उठाएंगे। लिहाजा आयशा अल वहाद को फौरन उनके मुल्क भेजने का ये अदालत हुक्म देती है। कानून की आंखें बंद हैं और ना ही जज्बात उसके लिए मायने रखते हैं, इसके लिए जमीर की जरूरत है। आज पता चला कि कानून अंधा है। जब तक ये मासूम प्यार करने वाले एक नहीं हो जाते, हम इस अंधी दुनिया को नहीं देखेंगे। सर, ऐसा को सपोर्ट करने वाली वो तीनों लड़कियां अदालत के सामने भूख हड़ताल कर रही हैं। क्या बात है लड़कियों, आंखों में पट्टी बांध के आपने आपको इंसाफ की देवी समझ रही हो? शराफत से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो लाठी चार्ज करके हवालात में बंद कर दूंगा। हवालात नहीं ना, हमें भी बंद कर दो। चलो देश की समस्याओं को छोड़कर एक विदेशी लड़की के लिए आप ये लड़ाई क्यों लड़ रही हैं? ये लड़ाई दो देशों के बीच नहीं, दो दिलों को एक करने के लिए है। प्यार के लिए इतनी इम्पोर्टेंस क्यों? दुनिया भर में मोहब्बत की मिसाल समझा जाने वाला ताजमहल हमारे देश में है, और जब हमारे ही देश में उस मोहब्बत की कोई कदर नहीं तो वो मिसाल किस लिए? मिटाइए उसे। अगर आप इस लड़ाई में नहीं जीती तो? क्यों नहीं जीतेंगे? प्यार करने वाले मर सकते हैं लेकिन प्यार नहीं। अगर मीडिया हमारा साथ दे तो हम हर जंग जीत सकते हैं। हम दुनिया को ये साबित करके रहेंगे कि सच्चा प्यार कभी नहीं मिट सकता। एक मुसलमान लड़की को जिंदा रखने के लिए तीन हिंदू लड़कियां लड़ रही हैं, ये कितनी खुशी की बात है। क्या भविष्य में कोई आतंकवादी इसका फायदा नहीं उठा सकता? क्या यहाँ अभी कोई आतंकवादी नहीं है? उग्रवादी इस तरह नहीं आया करते, वो तो बम और बारूद के साथ आया करते हैं। पहले जाके उन्हें पकड़ो और इन मासूमों को जीने दो। लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, किसी भी देश के हों, क्या फर्क पड़ता है?
संबंधी के भी साथ छोड़ने वाले जमाने में विदेश से आए अपनी सहेली के लिए लड़ रही हैं वो तीनों लड़कियाँ। मेरा, आपका, हम सभी का फर्ज बनता है कि उनका साथ दें। सब लोग गौर से सुनिए, अदालत के सामने इस तरह धरना देना कानूनन जुर्म है। आप लोग यहाँ से नहीं गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्यार के दुश्मन पुलिस वाले, सब लोग चले जाइए। प्यार के दुश्मन पुलिस वाले, ओके, ये लास्ट बार परमिशन। पुलिस वाले, नहीं सर, हमने बहुत कोशिश की, पूरी पब्लिक उन लड़कियों का साथ दे रही है, हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। पता नहीं देश का क्या होगा, पहले महंगाई और गरीबी के लिए लड़ा करते थे, अब प्यार प्यार कह के लड़ रहे हैं। आपसे पैसे लेने वाले पुलिस वाले भी खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। उस लड़की को जिंदा वापस भेजना बहुत मुश्किल लग रहा है सर। उनकी जो मर्जी में आए करने दो, आखिरी फैसला तो मैं ही करूंगा। रंभा राधा रानी ने विदेश से आई अपनी सहेली को इंसाफ दिलाने के लिए जो धरना शुरू किया है उसमें अब जनता पूरी तरह उनका साथ दे रही है। इसलिए मुबारक हो, तुम्हारी लड़ाई कामयाब हुई। आशा को सलीम से शादी करके हमारे देश में ही रहने की इजाजत मिल गई है। अभी तक दुनिया के साथ मैं खेलता था, अब मेरे साथ दुनिया खेलने वाली है। मुमताज, क्यों इस तरह उदास बैठी हो? तुम्हारे लिए लाए 25 पराठे और 4 बिरयानी वहाँ पड़ी ठंडी हो रही हैं। क्यों नहीं खा रही हो? मैं खाऊंगी कैसे? क्यों? आपने मीडिया वालों को ये न्यूज क्यों दिया कि हम दोनों की शादी होने वाली है? मतलब मैंने जो न्यूज दिया वो गलत है? नहीं नहीं, बिना सोचे समझे ऐसी खबर देने की वजह से मेरे सभी प्रोड्यूसर्स एडवांस वापस मांग रहे हैं। बस इतनी सी बात है, देखो इस ब्रीफकेस में 4 लाख रुपए हैं, ये तुम्हारे लिए ही तो हैं, इसे ले जाकर एडवांस वापस क्यों नहीं करती? ये काफी नहीं है, फिर भी एडजस्ट कर लूंगी। कल सुबह फिल्म सिटी में आ जाना, मेरी आखिरी फिल्म का आखिरी शॉट बाकी है, उसके पूरा होते ही हमारी शादी। आज के बाद जब भी मुमताज नाचेगी सिर्फ ये शंकर देखेगा। अपना कहा जो किया तूने मुझे, मेरे मीठे मीठे सपने सजाने लगी। देखा मेरी रानी जब मैंने तू। आपके म्यूजिक एल्बम का दूसरा गाना भी तैयार है, देख लीजिए मैडम। सुपर्ब।
अब शादी करने जा रही हैं? बहुत नॉनसेंस। मैं अपने फैंस का दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? ये सब अफवाहें हैं। ये हुई ना बात। अब हमारे जान में जाएगी। आपका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाने का प्लान किया है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ए, कौन है तू? मैं मुमताज का असिस्टेंट हूँ। ठीक है, मेरे लिए कुर्सी डाल। आप कौन है सर? अब दो घंटों में पूरी दुनिया को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो मैं दो घंटे के बाद ही कुर्सी डालूंगा। जा जा, शादी होने के बाद सबसे पहले मैं तेरा ही पता काट दूंगा। हाय। शर्मा रही। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मालूम होता है वो डायरेक्टर से हमारी शादी के बारे में कह रही है, इसलिए वो मुबारकबाद दे रहा है। शादी के बाद पेमेंट बढ़ा के मांगूंगा। रेडी है? रेडी सर, मैं तैयार हूँ। तो अपने पोजीशन पे जाइए। रेडी? रेडी सर। क्लैप। स्टार्ट साउंड। अबे हट। और ये शादी का जोड़ा आज के लिए बनवाई हो? हाँ। ना ना कहकर आखिर दिखाना ही पड़ा ना। क्या बोल रहे हैं? पर्दा हटने के बाद पहली बार चेहरा देख रहा हूँ। देख लिया। अब मैं चलती हूँ। चलती हो? हमें जाना है ना। कहाँ जाना है? मंदिर। सारा इंतजाम हो गया है। किस लिए? शादी के लिए। किसकी? हम दोनों की शादी है मुमताज। ये क्या बक रहे हो? कौन बक रहा है? मुहूर्त के निकलने से पहले हमें पहुँचना है, जल्दी चलो। कौन हो तुम? क्या इरादा है? तुमसे शादी करने का इरादा है, चलो। कोई है? डायरेक्टर सर। डायरेक्टर सर। प्रोड्यूसर सर। प्रोड्यूसर सर। हीरो सर। अरे मैं तो यहाँ हूँ। फिर कभी मुमताज से शादी के बाद सपने में भी सोचे तो सपने में आके मारेंगे। अरे बाप रे, शादी से पहले ही इन लोगों ने मेरा हनीमून करा दिया। बदन का कौन कौन सा पुर्जा काम करेगा कुछ पता नहीं। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। ये किस फिल्म का गाना है? ये प्यार मोहब्बत की बात ही तू नहीं समझेगा। बेचारा पगला गया। आहा, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1 रुपया पा रहा हूँ, ये कौन सा बिजनेस है समझ में नहीं आ रहा। देश के नौजवानों, एक अभिनेत्री का फैन बन के रहना काफी नहीं, उसका पति बनने का भी ख्वाब देखकर आखिर में बर्बाद होके फटी हुई मेरी हालत देखकर कुछ सबक सीखो। ऐसी हालत तुम में से किसी की नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तुम्हारा परिवार, फिर तुम्हारी पढ़ाई, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी, ये मत भूलना। मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, यहाँ जो भी आया। कौन हो तुम? आप ही डिटेक्टिव शंकर है ना? हाँ तो? ये क्या हाल बना रखा है आपने? उससे तुम्हारा क्या मतलब? सुनो, मैं खूनी को पकड़ने के लिए यहाँ भेष बदल कर बैठा हूँ, तुम अपना काम देखो, जाओ। प्लीज मुझे घुमाने ले जाइए ना। क्या, तुम्हें घुमाने ले जाऊँ? मुझे शूटिंग से फुर्सती नहीं मिलती और मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, मुझे घुमाइए ना। वही बुर्खा, वही साइज, ऊपर से घुमाने के लिए भी कह रही है, आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ हीरोइन शकीला। फिर से हीरोइन? अब आप क्या करने वाले हैं? मैं जबान का पक्का हूँ, जो कहता हूँ वही करता हूँ, अगर ना कर सका तो खुद को मिटा भी सकता हूँ। वो लड़की अभी तक जिंदा है, आपने उसे जिंदा ही तो मांगा है। लाश मंजूर है तो कहिए, सुबह होने से पहले ही पार्सल कर दूंगा। मार दीजिए, अब कुछ मत सोचिए, लेकिन आसान मौत नहीं। आपके मुल्क में हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक उसे पत्थरों से मार डालिए। ये हुई ना बात, पैसे जो लिए हैं आपसे, समझ लीजिए काम हो गया। आपके कानून के मुताबिक अब हमारे देश में उसे मारना मेरी जवाबदारी है। मैडम। अरे दी, आओ आओ, अच्छे वक्त पर आए हो, आरती ले लो। अरे रे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? उठो उठो। गॉड ब्लेस। सच में तुम दोनों को किसका शुक्रिया अदा करना है पता है? तुम्हारी प्यार की जीत के लिए लड़ी थी ना वो तुम्हारी तीनों फ्रेंड्स, उनका शुक्रिया अदा करो। वो हमारे देश की लड़कियां कहते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैडम। यस। 100 साल की उम्र है उनकी। रंभा का फोन है। हाय रंभा। तुम लोग बातें करो, मैं कॉफी ले। हाय रंभा, बोलो। आप लोग कहाँ हैं? दरगाह से लौटते हुए वकील मैडम के पास आए हैं। ठीक है, वही रहिए। हेलो। हेलो।
हे, लगता है वो दोनों किसी मुसीबत में हैं। क्या हुआ अम्बा? कुछ बदमाशों ने पकड़ लिया, वो लोग इसी रास्ते आएंगे। सामने से कोई भी गाड़ी आए तो हॉर्न बजाना। ये गाड़ी नहीं, ये भी नहीं, गाड़ी आ रही है, हॉर्न बजाओ। अरे बजाओ ना। ए, ये वो गाड़ी है, घुमाओ, जल्दी घुमाओ। जल्दी चलाना, चलाना। ए, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, जल्दी चलो। पत्थरों से मारने पर दुख तो मुझे भी हो रहा है, पर क्या करूं, वैसे मेरी आदत है घोड़ा दबाने की। Ah!
नहीं प्लीज। वन टू थ्री, थ्री टू वन। ए, ये गिनती बंद कर, गिन गिन के दुश्मनों से पैसे लेके देश को तबाह कर दिया। आओ बहादुर शेरनियों, सुना है मेरे बच्चों को परेशान कर रखा है तुम लोगों ने, चलो आज इस बब्बर शेर से टक्कर होगी तुम्हारी। अब ऊपर वाला भी तुम तीनों को मौत से नहीं बचा सकता। जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ खून की खुशबू सूंघी हो, वो आज पहली बार फूलों की खुशबू का लुत्फ उठाएगा। प्यार क्या है न जानने वाला तू, फूलों की बात करता है। प्यार लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, दोनों के मन में हवस की भावना उमड़ती है, यही तो है प्यार। तुम क्या जानो प्यार के बारे में, पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत की एक मिसाल के रूप में यहाँ प्यार की एक निशानी है ताजमहल। बेवकूफ था शाहजहां, नदी किनारे हजारों एकड़ जमीन की जिंदगी को ही कब्र बना दिया उसने। मुमताज के नाम पर फैक्ट्री लगाई होती तो आज कितने ही परिवारों को रोजगार मिलता। ये देश का दुनिया का कब्रिस्तान है जो हर कोई यहाँ कब्र बनाए। सिर्फ दौलत की भाषा समझने वाला जानवर है तू, तुझे क्या मालूम प्यार क्या होता है। अच्छी तरह मालूम है, अंगार हो या फूल दोनों मेरे लिए एक ही हैं। अब दुनिया मेरे हाथों में है और तुम्हारी मौत भी मेरे ही हाथों होने वाली है। सुखी रहो बेटा। जीते रहो बेटी। हेलो फूलो, सलामत रहो। अच्छा रंबा राधा रानी।